अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, और आज हमारे घर गेस्ट भी आ रहे हैं घर पे काम शाम करने, और खाने शाने का भी सोचना है अभी। और ऊपर से भैया की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कल साई राज है ना, वो सो नहीं सकी थी, उसको बुखार इतना तेज हो रहा था। जब हम मेडिसिन देते थे तो थोड़ी देर ठीक रहती थी, और फिर उसको ना 3 से 4 घंटे के बाद फिर बुखार हो जाता था। पूरी रात जो है ना, वो हम लोगों ने बस उसके पास ही गुजारी थी, इतनी तबीयत उसकी खराब थी। अभी सुबह सुबह हुई है तो आज हमने सोचा कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे वाले दिन जो डॉक्टर है ना, वो उसकी टाइमिंग हमें पता नहीं था। हमें यही था कि शाम को 7 बजे बैठता होगा, लेकिन वहां पे जाके पता चला कि वो सुबह 10 से 12 बजे तक भी उसकी टाइमिंग थी, तो हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया था। खैर, तो अभी नाश्ता वगैरह यहाँ पे मैं बना रही थी बिहार के बाबा के लिए, और मेरी जो आई हुई है भांजी आई हुई है उसके लिए बनाया था। बस 3 ही पराठे आज मैंने बनाए थे, और साथ में जो रात मैंने सालन बनाया था ना घिया और चिकन, बस वही हम लोगों ने खाया था। तो ये देखिए अभिया की हालत आपके सामने है, कितना छोटा सा बेचारे का मुंह निकला है, और इसके सर में इतनी ज्यादा शदीद दर्द थी ना, तो ये सारी रात बस यही कहती थी कि मुझे बस दबाते रहो सर में, इतनी ज्यादा पेन हो रही थी इसकी, और पूरी बॉडी में पेन थी। हालांकि इसका गला भी नहीं खराब था और ना ही पेट में दर्द था, पता नहीं क्या हुआ है इसको। तो अभी हम चेकअप करवाने के लिए जाने लगे हैं, तो फिर डॉक्टर से पता चलेगा कि इसका ना क्या मसला है। फिर यहाँ पे मेरी हेल्पर आ गई थी, मैंने उससे थोड़े बहुत घर के काम शाम करवाए, क्योंकि अभिया ना आज मुझे कोई काम करने नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी नहीं। कह रही थी बस मामा मेरे पास ही बैठी रहे, और फ्रिज की ना सफाई होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बास्केट रखी हुई है ना, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया हुआ था। तो मैंने आज पहली दफा ऐसा हुआ कि मेरी हेल्पर ने मेरी फ्रिज साफ की, वरना मैंने उससे कभी भी नहीं करवाई, मैं खुद ही करती होती हूँ। तो ये शीट्स के ऊपर भी ना काफी मैल हो गई हुई थी, तो ये भी साफ होने वाली थी। तो फिर मैंने उसको कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके ना सारा सामान बाहर निकाल के तो शीट्स को भी ना अच्छे तरीके से साफ कर दे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, बिहार की वजह से ना काम नहीं करने दे रही थी। तो घर के फिर कपड़े वगैरह जो थे हाथ से धोने वाले, वो भी फिर मैंने उसी से वॉश करवा लिए थे। और बिहार ना कुछ खा भी नहीं रही थी घर का ना कुछ भी, तो इसको फिर फ्रूट्स इसके बाबा को मैंने कहा था कि ला के दे दें, तो बार बार यही कह रही थी कि मुझे एप्पल खाना है, एप्पल खाना है। तो फिर मैंने फ्रूट्स मंगवाए, और साथ में फिर थोड़े से अंगूर भी मंगवा लिए थे। मैंने कहा शायद बच्चा ये खा ले, क्योंकि तबीयत खराब होना तो बाकी खाना खाने को दिल नहीं करता बुखार की वजह से। तो फिर मैंने एप्पल उसको कट करके दिए, साथ में थोड़े से ग्रेप्स दिए और केला भी थोड़ा सा दे दिया। लेकिन ग्रेप्स जो है ना वो थोड़े से खट्टे लग रहे थे, लेकिन वो भी उसने नहीं खाए, बस थोड़ा सा ना बनाना और एक आधी बाइट जो है ना उसने एप्पल की खाई, क्योंकि जब तक बच्चा खाना ना खाए तो फिर उसको मेडिसिन भी तो नहीं ना दे सकते। तो आज मेहमानों ने भी आना था, तो फिर भी मैंने अभिया को बड़ी ही मुश्किल से साइड पे करके घर के काम शाम किए, क्योंकि हेल्पर मेरी जा चुकी थी, तो बेडशीट वगैरह चेंज होने वाली थी। अभिया लेटी हुई थी तो उसने बेडशीट चेंज ही नहीं करने दी। फिर मैंने बाद में खुद ही सारे काम शाम किए, घर की सफाई मैंने दोबारा से बाद में कर ली थी, क्योंकि शाम को गेस्ट आ रहे थे, मेरी नंद आ रही थी, और मैंने खाना शाना भी नहीं बनाया आज, क्योंकि बाजी ने मुझे मना कर दिया था कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है तो ना बनाओ खाना। तो मेरी देवरानी है ना नीचे, उसने फिर कढ़ाई बना ली थी, मैंने कहा चले फिर मैं साथ में ना कुछ स्वीट डिश बना लूंगी, क्योंकि भैया की वजह से मुझसे खाना भी नहीं बनाया गया, वरना मैं खाना जरूर बनाती होती हूँ जब भी गेस्ट आते हैं। तो फिर यहाँ पे पास्ता मैंने गर्म करके खा लिया, क्योंकि मैंने घर के लिए भी कोई खाना नहीं बनाया भैया की वजह से। और बीहा को मैंने ये थोड़ा सा ये बना के दिया था, खिचड़ी बना के दी थी चावलों की, ये वही चावल हैं जो मैंने पांडा मार्ट से मंगवाए थे ना 400 रुपए का पैकेट। मैंने कहा था मैं आप लोगों को चेक करवाऊंगी कि ये कैसे बनते हैं, तो ये बाकी बहुत लंबे लंबे चावल थे। अब आज इंशाल्लाह मैं ना बिरयानी कल बनानी है मेहमानों के लिए, तो फिर मैं ना आपको दोबारा जो है ना वो चेक करवाऊंगी कि इनका ना कैसी कैसी लुक आती है बिरयानी की। देखने में तो वाकई लंबे लग रहे थे, लेकिन महंगे बहुत ज्यादा थे, तो मैंने कहा मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं मंगवाने, इतने महंगे अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चले स्वीट डिश तो बनाऊ ना, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ भी ना बनाऊं, तो फिर मैंने कस्टर्ड यहाँ पे मैंने कहा चले मैं ट्राइफल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर 2 चम्मच इसके 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड के लिए थे, और आधा कप दूध के अंदर इसको मिक्स कर लिया, और ये 1.5 किलो दूध था जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, और साथ में चीनी इसके अंदर डाल दी है। तो अभी बॉयल आ जाएगा ना अच्छी तरह से, तो फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ना कस्टर्ड डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे, तो ये एक थिन सा जो है ना वो थिक सा कस्टर्ड बन जाएगा। तो जब ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह जो है वो कट करके इसमें हम डाल देंगे, तो ये बहुत ही मजेदार सा फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बनता है, मेहमानों के लिए एक स्पेशल डिश है, आप बना सकते हैं। तो बस ये गाढ़ा हो गया था यहाँ पर, ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी जो है ना वो होनी चाहिए। आज के व्लॉग में मैंने कोई खास कुकिंग नहीं की, हालांकि आप लोगों को पता है कि मेरे व्लॉग्स में ना बहुत ज्यादा कुकिंग जो है ना वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मलाई थी, तो यहाँ पे फिर मलाई घर की पड़ी हुई थी, मैंने कहा वही डाल देती हूँ, साथ में ना क्रीम का भी 1/2 पैकेट पड़ा हुआ था। तो ये क्रीम और मलाई कस्टर्ड के अंदर शामिल करें ना, तो इसकी अपनी बहुत मजेदार सी वो ना फ्लेवर आता है, एक रिच सी लुक आती है, और इसके अलावा टेस्ट भी बड़ा रिच आता है। तो इसके अलावा
तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था क्रीम और मलाई जो है ना वो दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह फेंट लिया था। और कस्टर्ड यहाँ पे क्योंकि ठंडा होना ठंडा करना था, टाइम भी नहीं था, मेहमान आने वाले थे, घंटा रह गया था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ना ठंडा हो जाएगा। मैंने एक पतीली में पानी डाला और दूसरे में कस्टर्ड डाला, फिर साथ में क्रीम और मलाई जो मैंने उसको किया था मिक्स अच्छे तरह से बीट किया था वो डाल के, तो इसको हिला के ना तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर ट्रेजेडी एक मेरे साथ ये हुई कि मैंने इसको मिक्स करने के बाद ना ठंडा करके तो फ्रीजर में रख दिया था, इसको करने के लिए ना ठंडा होने के लिए रख दिया था। साथ में ये फ्रूट कट करके ना ये भी मैंने फ्रिज में ही रख दिया था, क्योंकि अभी मेरे पास ना फ्रूट केक नहीं था, तो मैंने कहा अभी आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना तो फिर वापसी में मैं फ्रूट केक लेती आऊंगी और डाल दूंगी। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे डॉक्टर के पास, ये उमर ब्लॉक में ना अलामा इकबाल टाउन है, डॉक्टर आबद क्लिनिक है, शायद जो लोग रहते हैं उन लोगों को पता होगा। तो ये डॉक्टर ना बीहा को बहुत अच्छा है, ये ना बीहा को ना इसी डॉक्टर से ही आराम आता है, जब भी इसकी तबीयत खराब होती है ना हम यहीं पे लेके आते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा डॉक्टर है। फिर उसने चेकअप वगैरह किया तो उसने बताया था कि बीहा के ना मौसमी बुखार भी हो सकता है, इसके अलावा वो कह रहा था कि अगर इसको 2-3 दिन में आराम ना आया, ठीक ना हुई इसकी तबीयत, तो फिर ना इसके टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। तो ये इसकी पर्ची है, ये देखिए राइटिंग भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही डॉक्टर ने लिखा क्या, बस बीहा के नाम की मुझे समझ आई थी। खैर तो यहाँ पे फिर हम लोग मेडिकल स्टोर बिल्कुल साथ था तो हम वहां पे आ गए थे, इसकी मेडिसिन वगैरह ली, 3 मेडिसिन जो है ना वो डॉक्टर ने सिरप लिख के दिए थे जिसमें कुछ सस्पेंशन थी, तो वो माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने इसको दी है ना, तो रात इसकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी, क्योंकि जब हम इसको डॉक्टर के पास से लेके आए ना तब भी इसको बुखार था बहुत ज्यादा। फिर वापसी पे हम एक बेकरी पे रुक गए थे, यहाँ पे मैंने केक लेना था वो जो ट्राइफल मैं बना रही थी, क्योंकि ट्राइफल अभी पेंडिंग ही पड़ा था, उसको मैं फ्रीजर में ऐसे ही एज इट इज रख के आ गई थी, और अभी मैंने उसकी ना वो करनी है, लेयरिंग करनी है और उसको भी ठंडा भी होने के लिए रखना था, और घर की सफाई सफाई फिर मैंने घर आके दोबारा जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर दिया, क्योंकि मेहमान आने वाले थे, क्योंकि घर की सफाई तो सुबह की हुई थी, मैंने कहा एक दफा फिर कर देती हूँ ना घर की फ्रेश लुक निकल आएगी। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने घर आके ना सारे घर की सफाई सफाई की, यहाँ पे अभी यहाँ लेटी हुई है, बेबीज वगैरह देख रही थी, तो उतनी वो मेडिसिन भी पड़ी हुई है इसकी बेड पे जो भी अभी हम लेकर आए थे, क्योंकि अभी मेडिसिन इसको खिलानी थी, तो लेकिन हम चाह रहे थे कि ये कुछ खा ले थोड़ा बहुत, तो फिर ही मैं मेडिसिन खिलाऊं, फिर सेवैयां बना के मैंने इसको खिलाई, तो शुक्र है कि इसने सेवैयां खा ली थी। तो ये बेकरी से ना ये शिमला बेकरी है यहाँ पे, वहां का ये ना प्लेन केक मैं लेकर आई थी, तो फिर मैंने जब कस्टर्ड निकाला ना तो वो इतना ज्यादा थिक हो गया था ना, फ्रीजर में रख थी दरअसल वो 1 घंटे से फ्रीजर में पड़ा था, वो ठंडा एक तो हो गया था और दूसरा जम भी गया था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं, लेकिन शुक्र है कि बेबी से ही अच्छा मजे का लग रहा था। फिर मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा बॉईल किया हुआ दूध डाल के ना इसको थोड़ा सा पतला किया, क्योंकि इसमें ना केक के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होना था, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा पतला करके ना डाल देती हूँ। फिर मैंने केक रखा और फिर फ्रूट्स और फिर साथ में मैंने ये थोड़ा सा पतला करके ना यही ऐसी लेयरिंग कर दी थी, फिर केक की एक लेयर लगा दी एक फ्रूट की और एक फिर कस्टर्ड की लेयर लगा के ना, तो बस इसकी फाइनल लुक यहाँ पे निकल आई थी। तो बहुत बहुत ज्यादा ये टेस्टी ट्राइफल बना था, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी दुआएं दी थी बीहा के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत काफी बेहतर है पहले से। तो बस यहाँ पे फिर मैंने स्वीट डिश को रैप करके तो फ्रीजर में रख दिया था, क्योंकि गेस्ट आ चुके थे और वो मैंने कहा था चलो ठंडी हो जाएगी, लेकिन कस्टर्ड बहुत ज्यादा थिक हो गया था, मुझे इतना मजा नहीं आया, लेकिन वैसे तो मजे की ही बनी थी। तो इनशाला मैं सोच रही थी कि कल गेस्ट इधर ही होंगे तो मैं मजे का खाना उनके लिए बनाऊंगी, क्योंकि आज तो मैं बीहा की वजह से बना नहीं सकी थी। तो फिर जो मटेरियल बच गया था मैंने सोचा कि एक गिलास को ही डेकोरेट कर लेती हूँ, फिर मैंने सेम वैसे ही लेयर्स लगा दी जैसे मैंने वो शीशे के बाउल में लगाई थी ना, उसमें ट्रे में लगाई थी, पहले मैंने कस्टर्ड डाला फिर केक डाला फिर कस्टर्ड डाला और साथ में थोड़े से मैंने फ्रूट्स डाल दिए। तो ये भी एक सर्विंग किसी एक बंदे को अगर आपने बना के देनी हो ना तो ये भी बड़ा क्यूट सा लगता है, गिलास इस तरह से ना डेकोरेट करके हम दे सकते हैं। तो ये सुपर के कुछ बिस्किट पड़े हुए थे ये भी मैंने डाल दिए, तो मैंने कहा चलो ये मेरी हेल्पर खा लेगी, क्योंकि मैं ना उसका हिस्सा लाजमी रखती होती हूँ खानों में, तो वैसे ये इतना मजेदार सा ना ये रेडी हो गया था, और इसको भी मैंने थोड़े से फ्रूट्स डाल के ना तो बस इसको डेकोरेट कर दिया था। तो यही था छोटा सा आज का व्लॉग, मैंने सोचा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि दरअसल आजकल काफी ज्यादा मसरूफियत हुई हुई है, बीहा भी बीमार है और गेस्ट भी आए हुए हैं, तो इस वजह से ना मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना रही थी। इंशाल्लाह सुबह शेयर करूंगी मजेदार सा व्लॉग, तो इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे, फिर अल्लाह हाफिज़।